हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये SBI का सिंपली सेव कार्ड है हमारे पास, जो कि क्रेडिट कार्ड है, तो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ इसे सेटअप करेंगे, जैसे कि इसका पिन बनाना और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास सिंपली सेव SBI क्रेडिट कार्ड। हो सकता है आपके पास क्लिक कार्ड आए या पल्स कार्ड आए, सबका पैकेजिंग लगभग सेम रहता है। ये यहाँ पे चिपका हुआ होता है काफ़ी अच्छे तरीके से, आप इसे बढ़िया फाड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे कैंची से भी इसे काट सकते हैं। इसको खोलने के बाद आपको कुछ कागज़ पत्र दिखेंगे, जो कि आपके कार्ड के रिलेटेड ही इसमें जानकारी लिखी होती है, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या यूजेस हैं और साथ ही साथ इसे सेटअप कैसे करना है उसके बारे में भी डिटेल में इसमें लिखा हुआ होता है, और कुछ सिक्योरिटी भी आपको बताई जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये रहा हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड, ये यहाँ पे चिपका हुआ होता है, आप इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कार्ड जब आता है तभी ब्लॉक रहता है, तो आपको इसे ऐप इंस्टॉल करके इसे अनब्लॉक करना पड़ता है। तो चलिए हम इसे सेटअप करते हैं। पहले आपको मैं कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ। ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल लिखा होता है और यहाँ पे आपके कार्ड का लास्ट का 4 अंक लिखा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्रेडिट लिमिट भी देखने को मिल जाती है, कार्ड पे अभी कौन सी लिमिट आपको मिली है और इसमें कैश लिमिट कितना है, मतलब आप ATM से इससे कितना कैश निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये बिल जनरेट होने का डेट है, मतलब आपको यहाँ पे जो डेट दिख रहा है, हर महीने को इसी डेट को आपका बिल जनरेट होगा। तो चलिए अब फटाफट इसे सेटअप करके इसे एक्टिव कर लेते हैं और इसे पिन जनरेट करते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे SBI कार्ड। सर्च करते ही आपको जो ये पहला ऐप दिखेगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपको यहाँ पे एक साइनअप का बटन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। साइनअप करते ही यहाँ पे आपको मोबाइल का आपका नाम दिखेगा, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसे लिंक कर देंगे। लिंक करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड नंबर डालने के लिए पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे अपना जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो 16 अंकों का नंबर दिया है आपको उसे यहाँ पे टाइप कर देना है। नंबर टाइप करते ही आपको यहाँ पे CVV पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे CVV अपना नंबर देख के टाइप कर देना है, जो कि कार्ड के पीछे में सफ़ेद पट्टी पर लिखा होता है। CVV डालने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए पूछा जाएगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आप चाहे तो यहाँ कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद ये जनरेट OTP का ऑप्शन अनलॉक हो जाता है, इसे जनरेट OTP करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल के कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम बनाना है और एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कम से कम 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम बना लेता हूँ, जैसे कि कार्ड 23 और अपना नाम 23, इसलिए क्योंकि ये 2023 चल रहा है तो मेरे को भी याद रहेगा कि मेरा क्रेडिट कार्ड कब बना था। और यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ, जैसे कि कार्ड 23@, और अपने मोबाइल नंबर का 5 अंक डाल लेता हूँ, ताकि मेरे को भी याद रहे कि मेरा ये नंबर कार्ड के साथ रजिस्टर है। तो आप चाहे तो इस टाइप का बना सकते हो, कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप चाहे तो इस टाइप का भी पासवर्ड बना सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा के आ जाएगा और आपका नाम लिखा के आ जाएगा। यहाँ पे सेटअप MPIN लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे और एक MPIN बनाएंगे 4 अंकों का। ये एक तरफ से एक शॉर्टकट होता है, जिससे आप ऐप के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। ये हमने एक MPIN बना लिया और इसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आता है, इसे ओके करेंगे और ये बैक कर देता है। आपको दोबारा से यहाँ पे MPIN डालना है अपना, अरे ऑटोमेटिक लॉगिन ले लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक यूज़र गाइडलाइंस आएगा, इसे आप टर्म एंड कंडीशंस कह सकते हैं, आप इसे यहाँ पे चेक करेंगे और इसे टिक मार्क करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे गेट स्टार्टेड कर देंगे। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेटेड है, क्योंकि डीएक्टिवेटेड हो करके आता है, तो यहाँ पे इसे क्लिक करके एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पे आप शो हो रहा है कि आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया, इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप एक पिन बनाएंगे, जो कि आपके क्रेडिट कार्ड का पिन होगा। आप इसे जैसा ATM का एक पिन होता है, सेम वैसे ही ये पिन है, एक पिन बनाएंगे जो कि आपको किसी को भी नहीं बताना है। पिन बनाने के बाद यहाँ पे जनरेट OTP को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके नंबर पे OTP चला जाएगा 6 अंकों का, उस OTP को यहाँ पे टाइप करेंगे एंड सेट पिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसे नेक्स्ट कर देंगे।
और यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप इस कार्ड को कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों के लिए है, तो आपको जहाँ जहाँ इस कार्ड को यूज़ करना है आप उसे ऑन कर लेंगे। जैसे कि मैं इसे कॉन्टैक्टलेस यूज़ नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसे ऑफ ही रहन देता हूँ, बाकी चीज़ों को ऑन कर लेता हूँ। साथ ही साथ मैं इंटरनेशनल के लिए भी इसे ऑन कर लेता हूँ, बाई चांस अगर मैं कभी बाहर गया या कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मैं बाहर से ख़रीद रहा हूँ तो प्रॉब्लम ना करे, डिक्लाइन ना हो मेरा ट्रांजेक्शन इसके लिए। तो इस सबको ऑन करने के बाद कन्फर्म विथ OTP करेंगे, आपके ईमेल और आपके नंबर पे OTP आ जाएगा, आप इसे यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे एक पॉपअप शो होता है एरर का, इसे ओके कर देंगे और उसके बाद ये देख सकते हैं कि आपका ये सब चीज़ में ऑन हो चुका। अब यहाँ पे आपको स्किप के बटन को क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड आपकी जानकारी दिखेगी कि आपका कौन सा कार्ड है, इसका एनुअल फीस क्या है, साथ ही साथ यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसे फिर आई एक्नॉलेज करेंगे और फिर अकाउंट समरी को क्लिक करेंगे, उसके बाद ये एक पॉपअप आता है, इसे ओके कर देंगे और आपका कार्ड यहाँ पे चालू हो चुका है, आपका पिन भी बन चुका है और आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो आपने इसे ऑन किया था वो सभी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी फंक्शन दिए हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड को पूरा यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आने वाली वीडियो में मैं आपको अलग अलग जो भी इसकी जानकारी है, क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आने वाली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।